हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो इस भाग के अंदर हम समझेंगे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और वो कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन से कारक होते हैं जिसके कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी? जब फर्टिलाइज ओवम नॉर्मल तरीके से यूट्रस के अंदर इम्प्लांट ना होकर किसी और जगह जाकर इम्प्लांट होता है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में होता है और वहाँ से ये जायगोट आगे की ओर जाते हुए यूट्राइन ट्यूब से गुजरते हुए यूट्रस में आता है और यूट्रस की सबसे अंदर की जो लाइन होती है एंडोमेट्रियम उसमें जाकर वो इम्प्लांट होना स्टार्ट होता है। ओके, और उसके अंदर इन्वेड होता है, धसता चला जाता है एंड देन वहाँ पे जाके बरीड हो जाता है। ओके, लेकिन ये नहीं हो पाता है और यही सारी गतिविधि इस नॉर्मल एंडोमेट्रियल यूट्राइन कैविटी को छोड़कर किसी और जगह जब होती है तो उसे एक्टोपिक कहते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी साइट्स होती है जो कि यूट्रस को छोड़कर होती है जहाँ पर की एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है? तो नॉर्मली 95% कंडीशन के अंदर यूट्रस को छोड़कर जहाँ पर ज़्यादातर इम्प्लांटेशन जहाँ होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में वो होता है ट्यूब के अंदर, फिलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादातर देखा जाता है। एंड 5% कंडीशन के अंदर किसी और जगहों पे प्रेजेंट होता है। तो 95% जो यूट्राइन ट्यूब के अंदर होता है उसे कहते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। और ट्यूब के जैसे कि चार भाग होते हैं, हमने देखा था, दैट इज एम्पुला होता है, इंटरस्टिशियल होता है, इस्थमस होता है और इनफंडिबुलर पार्ट फिम्ब्रियल एंड जो होती है। इन चार भाग के अंदर किसी भी जगह पे जो इम्प्लांटेशन है वो हो सकता है। बट जैसे कि हम जानते हैं कि इन सारे भाग में से सबसे ज़्यादा जो चौड़ा भाग होता है वो एम्पुला है, तो संभावना ये ज़्यादा हो जाती है कि एम्पुलरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन हो। ओके, एंड उसके बाद सबसे ज़्यादातर एम्पुला में होता है, देन उसके बाद इस्थमस भाग में होता है, देन उसके बाद फिम्ब्रई एंड जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जहाँ होती है ट्यूब की, इन फंडिबुलर पार्ट में होता है और सबसे लास्ट में संभावना होती है सबसे कम इंटरस्टिशियल भाग में होता है जो कि सबसे सकरा भाग होता है ट्यूब का। ओके, तो ये चार भाग होते हैं और सबसे ज़्यादातर कॉमन देखा गया है एम्पुला में जो कि चौड़ा भाग है। और बचे हुए 5% कंडीशन के अंदर सर्विक्स के अंदर हो सकता है इम्प्लांटेशन। ओके, अगर पहले से कोई यूट्राइन स्कार है, यानी अगर इससे पहले वाले प्रेगनेंसी में सीजरियन डिलीवरी हुई है तो उस यूट्राइन स्कार पे भी इम्प्लांटेशन हो सकता है। एब्डोमिनल कैविटी में हो सकता है, पेरिटोनियल कैविटी में, पर सीधे ही फर्टिलाइजेशन होके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मूव करना, यानी प्राइमरी तरीके से एब्डोमिनल प्रेगनेंसी होना थोड़ा रेयर होता है, उससे थोड़ा सा कॉमन होता है सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। यानी पहले तो किसी और भाग में इम्प्लांट हो जाए, लाइक ट्यूब में हो जाए, ओवरी में हो जाए एंड देन वहाँ से वो रिलीज होके एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाए, उसकी संभावना, यानी सेकेंडरी एब्डोमिनल प्रेगनेंसी प्राइमरी के कंपेरिजन में ज़्यादा कॉमन होती है। और कॉर्नुआ प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी अगर वुमेन के अंदर यूट्राइन एनोमली है, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है जिसमें यूट्रस के अंदर भी डिवीजन है, तो जो रूडिमेंट्री हॉर्न होता है, जो एक्स्ट्रा निकला हुआ भाग होता है, उसके अंदर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अगर उस स्मॉल पार्ट में अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसे बोलते हैं कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। देन इसके अलावा ओवरी में हो सकता है। ओके, तो ये अलग अलग साइट 5% कंडीशन के अंदर देखी जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसमें है सर्वाइकल, प्रीवियस सिजरियन स्कार या यूट्राइन स्कार, एब्डोमिनल प्रेगनेंसी, ओवेरियन प्रेगनेंसी, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। ओके, लेकिन सबसे ज़्यादातर कॉमन जो होती है एक्टोपिक वो कहाँ होती है? ट्यूब में होती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी जिसे कहते हैं। तो कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बढ़ाते हैं? तो इसमें भी सबसे कॉमन जो ट्यूबल प्रेगनेंसी है उसके पीछे क्या रीजंस हैं? नॉर्मली ट्यूब में जब इम्प्लांटेशन होता है तो वहाँ पर ट्यूब में प्रेजेंट जो इनर लाइनिंग है वो सीलेटेड कॉलमनार लाइनिंग होती है। ये सीलियाज अलाउ करते हैं कि जो फर्टिलाइज हुआ है वो मूव हो, आगे की ओर बढ़े और यूट्रस तक जाए,
और उसी की तरह फेलोपियन ट्यूब में जो मसल्स होती हैं वो मस्कुलर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी अलाउ करता है, ये भी अलाउ करता है कि जो फर्टिलाइज ओवा है वो यूट्रस की ओर पहुंचे। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब ट्यूब की एनाटॉमी डिस्टर्ब हो जाती है, ओके, इसका जो स्ट्रक्चर जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस कंडीशन से सीलियाज या फिर जो स्ट्रक्चर से अगर वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उस कंडीशन से ट्यूब की मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण जो फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है वो वहीं पर रह जाता है। तो क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला सेल्फेंजाइटिस, और जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जो रिस्क फैक्टर है, वो है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो कि इन्फेक्शन के कारण, कोई भी इन्फेक्शन जो कि वजाइनल रूट से एंटर किया है वो फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच सकता है एंड देन वहां पर ट्यूब की एनाटॉमी को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे कि है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक गोनोरिया, क्लैमाइडिया, ट्रकोमैटिस। सो ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जो कि इस इन्फेक्शियस डिजीज के कारण ट्यूब की एनाटॉमी डिस्टर्ब हो सकती है, वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो सकता है लेटर ऑन, एंड देन स्कार मींस अपने आप में वहां की जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब करना, और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट के कारण मोटिलिटी क्या होती है, डिस्टर्ब। तो ये एक रीजन है, दैट इज सेल्फेंजाइटिस, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड सेल्फेंजाइटिस एस्थमिका नोडोसा, जो कि एक जिसमें क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर एपिथीलियम से लेके मस्कुलर लेयर तक एक क्या बन जाता है, पाउच, यानी डाइवर्टिकुला बन जाता है। तो ये भी एक तरीके से ट्यूब के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर रहा है, डाइवर्टिकुलम का फॉर्मेशन होना, ओके, जिसे कहते हैं सेल्फेंजाइटिस इस्थमिका नोडोसा। तो ये कुछ इन्फेक्शन और स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स हैं जिसके कारण ट्यूब की मोटिलिटी एंड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो सकता है, जिसके कारण ट्यूब में ही फर्टिलाइज ओवा रह जाता है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर। वैसे तो कॉन्ट्रासेप्शन अपने आप में प्रेगनेंसी को रोकता है, प्रेगनेंसी को होने से बचाता है, लेकिन अगर ये फेल हो जाए तो उस कंडीशन में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में सबसे ज़्यादा फेल होने के कारण जो एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है उसका मेजर कारण होता है स्टरलाइजेशन फेलियर, जो ट्यूबेक्टमी जो करते हैं। ट्यूबेक्टमी एक परमानेंट स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है जिसमें ट्यूब को लाइगेट कर सकते हैं, क्लिप अप्लाई कर सकते हैं या फिर रिंग डाल सकते हैं। सो अगर ये फेल हो जाए, जो लाइगेशन है वो रिलीज हो जाए, स्लिप हो जाए अगर क्लिप, ओके, रिंग स्लिप हो जाए, तो उस कंडीशन में ट्यूबल प्रेगनेंसी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं एंड उससे कम चांस होते हैं IUD डिवाइसेस के कारण, उनके फेलियर के कारण, चाहे वो कॉपर टी हो या फिर प्रोजेस्टिन रिलीज IUD डिवाइसेस हो या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि प्रोजेस्टिन रिलीज हैं, उनके फेलियर के कारण भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर पहले से ही कोई रिकंस्ट्रक्टिव ट्यूबल सर्जरी की गई है, मतलब किसी भी तरीके से अगर ट्यूब की हैंडलिंग हुई है, वहाँ पे सर्जरी मीन्स फाइब्रोसिस, स्कार, तो अगर स्कार फॉर्मेशन है तो बट ऑब्वियस है कि उसका जो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस मीन्स सीलियाज एंड जो मोटिलिटी वो ऑल टुगेदर डिस्टर्ब होगी, तो भी क्या होगा, ट्यूब में ही इम्प्लांटेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो अगर प्रीवियस ट्यूबल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की गई है किसी भी वजह से ताकि फर्टिलिटी को इम्प्रूव किया जा सके, बट वो सर्जरी के साइड इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर वुमेन इनफर्टाइल है तो उस कंडीशन में जो ART और एम्ब्रियो ट्रांसफर जो टेक्निक होती है IVF, तो उसके ज़रिए भी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कि ट्यूबल डिफेक्ट हो जिसके कारण IVF किया गया है। तो IVF के अंदर हो सकता है कि जो ट्रांसफ़र है मीन्स जो फर्टिलाइज जाइगॉट है उसका मूवमेंट क्या हो सकता है, ट्यूब तक जा सकता है। सो IVF के कारण भी एक एक्टॉपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड प्रीवियस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अगर है, अगर वुमेन की हिस्ट्री है कि पहले एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, आने वाली प्रेगनेंसी के अंदर भी अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है ऐसी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, चाहे पहले ट्यूबल सर्जरी की है तो भी उसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगर हिस्ट्री है प्रीवियस एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की या फिर ट्यूबल सर्जरी की, तो
सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सारे हैं रिस्क फैक्टर, जिसमें मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है वो है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। तो जैसे ही ट्यूब के अंदर इस स्ट्रक्चर का इम्प्लांटेशन होता है, ये ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो इन्वेड करने लगती है मसल लेयर के अंदर ट्यूब की, क्योंकि यहाँ पे सब म्यूकोजा नहीं है। एंड मसल के अंदर जो मसल लेयर होती है उसमें हाइपरट्रॉफिड एंड हाइपरप्लेसिया दिखाई देता है। एंड उसी के साथ में जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी और ज़्यादा एंगॉर्ज हो जाती है, एंड जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं वो इन ब्लड वेसल्स के अंदर इन्वेड करती है, वहाँ से नरिशमेंट लेती हैं, ब्लड उन स्पेसिस के अंदर आता है। सो ऑल टूगेदर होल स्ट्रक्चर जो है वो ब्लड से एनसर्कल्ड हो जाता है, चारों तरफ से गिर जाता है ब्लड से। एंड लेकिन ये जो प्रोग्रेस है वो एक लिमिट टाइम तक ही रहता है, क्योंकि जैसे ही मसल लेयर स्ट्रेच होगी, सीरोसा स्ट्रेच होगी, तो क्या होगा, ये और ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और जब इतना प्रोग्रेशन हो रहा होता है तो उसी दौरान यूट्राइन कैविटी में भी डेसिडुआ प्रिपेयर हो रही होती है एज इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती है, क्योंकि जैसे ही ट्यूब के अंदर ट्रोफोब्लास्टिक लेयर और ज़्यादा अगर अंदर इन्वेड नहीं हो पाती है तो उसी के साथ में HCG का प्रोडक्शन कम हो जाता है। और जब HCG कम होने लगता है तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन सपोर्टेड एंडोमेट्रियल लाइनिंग भी क्या हो जाती है, शेड ऑफ होने लग जाती है। सो जब HCG लॉन्ग ड्यूरेशन तक, प्रोलॉन्ग टाइम तक प्रोड्यूस नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन कम होगा, तो डेसिडुआ जो है वो स्लज ऑफ हो जाएगी और एज ए डेसिडुअल कास्ट, मतलब ऑल टुगेदर पूरी शीट, डेसिडुअल शीट जो है वो बाहर आ जाएगी, जिसे डेसिडुअल कास्ट कहते हैं। और वही ट्यूब के अंदर इस प्रेगनेंसी के जो आउटकम होते हैं वो ये है कि ये दो तरीके से टर्मिनेट हो सकती है। वन इज ट्यूबल अबॉर्शन, यानी जो फिम्ब्रेई एंड है जहाँ पे एब्डोमिनल ओस्टियम है वहाँ से ये होल स्ट्रक्चर क्या हो, रिलीज हो जाए एंड देन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर कर जाए। एंड दूसरा होता है कि ट्यूब की वॉल को ही लगातार स्ट्रेच करने के बाद उसे रप्चर कर दे, ट्यूबल रप्चर, एंड देन वो पेरिटोनियल कैविटी में रिलीज हो जाए। सो दीज आर द मोड ऑफ टर्मिनेशन, ट्यूबल अबॉर्शन एंड ट्यूबल रप्चर। बट ट्यूबल रप्चर इज क्वाइट डेंजरस, क्योंकि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी अपने आप में एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि वुमेन की जान को खतरे में डाल सकती है। एंड इससे होने वाली मोर्टैलिटी एंड मॉर्बिडिटी रेट, यानी डेथ कॉजिंग रीजन और डिजीज कॉजिंग रीजन भी बहुत ज़्यादा होता है एक्टॉपिक प्रेगनेंसी के कारण। सो अर्ली डायग्नोसिस इज बेटर, जल्द से जल्द अगर इस कंडीशन का पता लगा लिया जाए तो वुमेन की कंडीशन को भी स्टेबल किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस लेक्चर के जरिए हमने समझा कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और इस प्रेगनेंसी के डिफरेंट साइड्स कौन कौन से होते हैं एंड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं जिसके कारण एक्टॉपिक प्रेगनेंसी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगले भाग में देखेंगे कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वुमेन के अंदर क्या साइलेंट सिम्टम दिखाई देते हैं और इस कंडीशन को हम एज अर्ली एज कैसे पता कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं। थैंक यू।